हेलो स्टूडेंट्स, ये शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। टुडे वील कंटिन्यू द सेम लेसन, मैडम राइड द बस पार्ट टू। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पील्ड ओवर द ब्लाइंड। ठीक है, और वो अपनी सीट के ऊपर से खड़ी होकर के जो भी चीज़ें पार की वो देखने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। पील्ड मीन्स लुक विद डिफिकल्टी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और फिर वो देखती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, और बस जो है एक कैनल है। ठीक है, हियर यू कैन सी द मीनिंग ऑफ द कैनल हियर। ओके, तो उस कैनल के साइड बाई साइड में बस चलती रहती है। द रोड वॉज वेरी नैरो, ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। और जो रोड थी वो बहुत ही नैरो थी, और वहाँ पर एक साइड कैनल थी और फिर उसके साथ साथ वहाँ पर पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, माउंटेन्स और ब्लू ब्लू स्काईज, ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही थी। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, ओके, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, सो इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। और वो जो है काफ़ी दूर तक देख सकती थी, काफ़ी दूर तक का जो एरिया था वो काफ़ी ग्रीन ग्रीन था। ठीक है, और जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी, और वो बहुत ही खूबसूरत था और वो बहुत खुश होती है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, वी हैव डन इट। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू द सी हू हैड स्पोकन। तभी उसको एक आवाज़ आती है, वो ये आवाज़ रहती है कि बैठ जाओ बेटा। ठीक है, और तब वो बैठते हुए पीछे देखती है कि कौन बोल रहा है ये। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन। ये एक जो है एज्ड इंसान था जो कि उसका ध्यान रखना चाहता था, लेकिन उसको इस बात से अच्छा नहीं लगता, वो नाराज़ हो जाती है। देर इज़ नो बडी बट हु इज़ अ हुज चाइल्ड इज इट, शी सेड हॉटली। I have paid my 30 paise like everyone else. फिर वो जो aged इंसान रहता है वो पूछता है कि किसका बच्चा है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो वो कहती है मैंने खुद अपने पैसे दिए हैं, proudly कहती है। हाँ, here you can see hotly means proudly. The conductor chimed in, oh sir, but this is very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब जो कंडक्टर है वो भी इस बात पर रिस्पॉन्स करते हुए कहता है, चिम्ड मीन्स हियर इंटरप्ट द कन्वर्सेशन, बीच में बोल पड़ना। और वो बीच में बोलता है और कहता है कि ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आपको नहीं लगता है? नहीं तो एक बच्चा कहाँ इस तरीके से अपने पैसे खुद देता है और खुद सिटी को ट्रैवल करने के लिए अकेले जाता है। वाल ही शॉर्ट एंड एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट्स। और फिर वो वाली क्या कहती है, गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है कंडक्टर को देख करके कि मैं मैडम नहीं हूँ और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, मैंने अपनी टिकट के पैसे दिए हैं, यू हैव नॉट गे, और आपने मुझे मेरी टिकट अभी तक नहीं दी है। आई एम रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग कॉपिंग हर, मिमिकिंग मीन्स हियर कॉपिंग, ओके। एवरी वन लव्ड एंड ग्रेजुअली वाली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और जब वो उसकी नकल करता है तो हर कोई हंसता है और वाली भी उसकी, वाली जो है वो भी उसकी बात पर हंस पड़ती है। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हेडेड इट टू हर, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। कंडक्टर ने उसकी सीट को पंच किया और उसको दिया और बोला कि तुम खड़ी क्यों हो, तुम बैठ जाओ क्योंकि तुमने पेमेंट करी है इसकी। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or it hits a bump. That is why we want you to sit down, child. वो कहते हैं कि जब बस bump means speed breaker here. जब बस इधर उधर मुड़ेगी या इधर speed breaker पर आएगी तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए आराम से बैठ जाओ। I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. Okay, of course, how stupid of me, 8 years mine. अब ये कह रही है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 years old हूँ, और ये बात वो बहुत ही मतलब कि उससे कहती है, प्राउडली कहती है कि मैं 8 years old हूँ, ऑफकोर्स बेशक मैं 8 years old हूँ। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वाली
फाइनली सेट डाउन। बस रुक जाती है, कुछ नए पैसेंजर अंदर आ जाते हैं। वाली को ऐसा लगता है कि कहीं उसकी सीट पे कोई और ना बैठ जाए, इसलिए वो अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लेती है, वहाँ बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन। और एक ओल्ड लेडी उसके पास आके पूछती है कि क्या आप अकेले हो, और बस इतने में चलना शुरू हो जाती है। वाली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसे पसंद नहीं आती वुमेन। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, और उसके ईयर लोब्स में काफ़ी बड़े होल्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट राउंडेड, ओके, पार्ट हैंगिंग फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ द ईयर। तो उसके कान से जो भी उसका लोअर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लटक रहा है, ठीक है, होल जो है उसमें बड़े हैं। एंड सच अगली ईयर रिंग इन दैम, और उसमें जो ईयर रिंग्स है वो भी उसको पसंद नहीं आती है। एंड शी कुड स्मेल द बीटल द वुमेन वॉज च्यूइंग, एंड शी एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और उसके मुंह में बीटल यानी पान है, वो उसको चबा रही थी, और उसका जूस जो है कभी भी उसके लिप्स से बाहर आ सकता था। ओह हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, कि कौन इस तरीके के इंसान के साथ बातचीत कर सकता है। सोशिएबल हियर मीन्स वॉट, विलिंग टू टॉक, ओके, और एंगेज इन एक्टिविटीज़ विद अदर, मीन्स लाइक पीपल फ्रेंडली एक्टिविटी लाइक, ओके। तो ये जो है सोशिएबल कौन हो सकता है, कौन इस तरह की फीमेल के साथ बात करेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू शी, यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। और वो कहती है कि हाँ मैं जो हूँ ट्रेवलिंग कर रही हूँ अकेले, आंसर करती है वो कर्टली, मीन्स हियर शोइंग डिसप्लेजर, ओके, शोइंग डिसप्लेजर। और फिर उसके बाद वो कहती है कि हाँ जो है मैं कर रही हूँ, और मैंने पैसे इसके दिए हैं तो मैं अकेले ही कर रही हूँ, ठीक है, ओके। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेट द वाली, बट शी लव्ड एट द सेम एंड द कंडक्टर लव्ड टू। और फिर वो वाली जो है उस पर गुस्सा आ जाता है उसको, जब कंडक्टर पे, तो कहती तुम अपना ही काम करो ना, तुम क्यों इस तरीके से बीच में बोल रहे हो, ठीक है। तो उस पर सब हंस पड़ते हैं वहाँ पे। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, इट इज़ प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, वॉट इज़ द स्ट्रीट, वॉट इज़ द हाउस नंबर। अब ओल्ड वुमेन कहती है कि जो है तुम अकेले जा रही हो, ये सिली नॉनसेंस, यहाँ पर व्हाट इज दिस मीन्स, रियली मीन्स सिली नॉनसेंस। तो ओल्ड वुमेन जो है उसके पास जाती है और कहती है कि क्या ये सच है, इज इट, क्या ये ठीक है, तुम अकेले ट्रेवल कर रही हो, क्या तुमको पता है तुम्हें कहाँ जाना, हाउस नंबर, स्ट्रीट, एनीथिंग, डू यू नो अबाउट दैट ऑल, यू नीड नॉट बदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वाली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग। वाली को गुस्सा आ जाता है, वो बाहर की ओर देखते हुए ये बात कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। स्टीयरिंग मीन्स घूरना, लुक फिक्स्ड, ओके, हियर इट इज। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पेनस्टेकिंग एलोबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। उसकी पहली जर्नी थी, उसने काफ़ी केयरफुल तरीके से और एलोबरेट तरीके से सारे नॉलेज कलेक्ट करके तब इसने प्लान करी थी, क्लियर। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paises. उसने बड़ी मुश्किल से 60 पैसे, 30 आने के और 30 पैसे जाने के कलेक्ट किए थे। रास्ते में काफ़ी सारी temptation means लालच, ऐसी चीज़ें आ रही थी जिसको उसे खरीदने की इच्छा हो रही थी। ट्रिफ्टलिंग मीन्स स्पेंड मनी केयरफुली, लेकिन उसको अपने पैसे बहुत ही सावधानी पूर्वक खर्च करने थे, इसीलिए उसने अपने लालच को रिसिस्ट मतलब रोका, ठीक है, कंट्रोल किया कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गोल्ड इवन दो शी हैड द मनी। उसके पास पैसे थे, लेकिन उसने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, रोका कि उसे झूला नहीं झूलना है। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, काफ़ी टफ था उसके लिए विलेज फेयर में जाना और अपने आप को डिटरमाइन करना, कंट्रोल करना, क्योंकि उसको घर भी वापस जाना था। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ हर हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। इन पैसों के इकट्ठा करने के बाद उसकी एक प्रॉब्लम और थी कि उसको घर जाना था और अपने
मतलब मदर को पता चले बिना उसको घर पहुंचना था, लेकिन उसने इस डिफ़िकल्टी का सामना भी कर लिया और उसको मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आवर सो। और उसकी माँ जो है लंच के बाद दोपहर में थोड़ी देर सोती थी, 1 or 2, 4, ठीक है 1 से 4 बजे तक वो सोती थी या उसके बाद तक भी। वाली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज। टूडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। एक्सकर्शन मीन्स हियर ट्रिप यू कैन से, ओके। तो वाली जो है इस समय को अपने ट्रिप पर्पस से यूज़ करती थी, कभी वो डोरवे पे खड़ी होकर बाहर को देखा करती थी, कभी वो विलेज वगैरह में चली जाया करती थी। वेंचर्ड आउट मीन्स वेंट क्यू वेंट कॉशन कॉशियसली, ओके। वेंचर्ड आउट मीन्स वेंट कॉशियसली, ओके, या करेजियसली। तो वो जो है ऐसी जगह पर जाना पसंद करती थी, लेकिन उसने आज इस समय को अपने जो है सिटी ट्रिप को प्रेफरेंस दी और उसको कंप्लीट किया। वली ऑलवेज, ओके, वी हैव डन इट ऑल। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। अब बस जो है आगे बढ़ती जा रही है, रास्ते में आते जा रहे हैं, लैंडस्केप आ रहा है, ड्राई लैंडस्केप है और आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। कई तरह की दुकानें हैं, उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गर्बलिंग अप अनादर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी बस के सामने दूसरे व्हीकल आते हैं, कभी पेडेस्ट्रियंस आते हैं, बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। और बस जो है सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए, सारे ऑब्स्टिकल्स को पीछे छोड़ते हुए सेफ्टी के साथ आगे बढ़ रही है। क्लियर क्लास? दीज आर द पैराग्राफ विच बी डन। ओके क्लास, नाउ यू हैव टू जस्ट राइट द समरी एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन। सम क्वेश्चन ऑलरेडी हैव बीन गिवन एंड टूडे सम क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू। क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।